तो जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा? छुपा दिया। ढूंढो। अच्छे है पिग्गू, तुमने तो हमें चौंका ही दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा आकर शुक्रिया कह दूं। नहीं, ये सब तोहफे तुम्हें कब मिले हैं पिग्गू? बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, पिकू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ लिया। छज्जू चीता कौन है? है एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। जाऊंगा।
लिए भी पानी लेकर आता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। ओ नहीं, ये क्या? बारिश शुरू हो गई। जल्दी बच्चों, अंदर चलो, वरना सब भीग जाओगे। सब तैयारियाँ खराब हो जाएंगी। घबराओ मत चुक्की, जब बारिश रुक जाएगी तब हम एक साथ फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। भीम, आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया, हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सारे लड्डू बन गए। हाँ?
लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। को जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। तुम्हारा असली मनोरंजन। बाकी सब है ना संभालने के लिए। थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए।
चाहिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? आपको नाचना पसंद है? हाँ। क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हाँ। तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। जनों की टीम है भीम और चुटकी की टीम। आज कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। साधु का मजाक उड़ाया है, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। पिकनिक, ये, दिन चक्के, ये। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू?
किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सके। जल्दी चलो। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियां हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तीन बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर पालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हरा कर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बच कर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। कांगारू, तुम ये
ये सब क्यों कर रहे हो? इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। तुम दोनों के साथ खेलने में मजा ही नहीं आता। अच्छा सुनो सुनो, रूल्स बहुत सिंपल है। जो टीम गेंद को नीचे गिराएगी वो हार जाएगी। बॉल खेलना, ये तो दाएं हाथ का खेल है। ढोलू बोलू, मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैरना तो मुझ जैसे लंबे लोगों का काम है। तैयार, एक दो तीन। कैसे जीत जाते हो? जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो। कालिया, वो एकदम सही खेल रहा है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी दौड़ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है, सिर्फ मैं और राजकुमार धीर। जरूर, मैं तैयार हूँ। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देगा। उस्ताद तो जरूर हारेंगे। और उस्ताद के फेवरेट है। आप हमें धीर को कैसे दे सकते हैं उस्ताद? लड्डू। शुक्रिया चुटकी। इस तरफ से लड्डू की खुशबू आ रही है, लगता है चुटकी लड्डू लेकर आई है। चलो देखते हैं। क्या खुशबू है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बुरा दुख रहा, ये क्या हो गया? अरे मेरी टांग पर किसकी टांग है? रुका, छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? चादर में लिपटा देखा और उसे लगा कि कोई भूत है। कैसे डर के भाग गए।